स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टू नंबर्स का 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 दे रखा है और इन्हीं दोनों नंबर्स का 306 और 657 जिसका हमें HCF दे रखा है हमें इसका LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट जो कि हम इस एक्सरसाइज में पहले से ही पढ़ के वेरीफाई कर चुके हैं और वो है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अवेलेबल है हम इसका यूज ऑलरेडी और इसका वेरिफिकेशन ऑलरेडी हम इसी एक्सरसाइज में कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम इसी का यूज करेंगे कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स की बात हो रही है वो दोनों नंबर्स है 306 और 657। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम लिखते हैं 306 इंटू 657 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM और HCF हमें दे रखा है 9 तो 9 लिखेंगे और LCM हमें फाइंड करना है तो LCM की जगह पे LCM लिखते हैं। अब 9 का करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 306 इंटू 657 अपॉन 9 इक्वल्स टू LCM। अब इसके बाद 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 9 से मैं यहाँ पर डिवाइड करने जा रहा हूँ 306 को, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 3 6 9 4 36, तो ये आ रहा है 34 इंटू 657 इक्वल्स टू LCM। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 657 इंटू 34, 4 7 28, 4 5 20 22 और उसके बाद 4 7 24 25 26 और 3 7 21, 3 5 18 16 17 और 3 6 18 19, तो ये 8 3 13 9 10 12 और 2, तो ये हमारे पास आ रहा है LCM 2 2 3 3 8। तो ये रहा हमारा LCM स्टूडेंट्स जो कि इस क्वेश्चन ने पूछा था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब इस एक्सरसाइज के जो बड़े बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।